वैसे यार काफी सोच रहे होगे कि भाई ये सीन कैसे हुआ। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं भाई अपनी पुप्पी के, अब्बा की प्यार का था, चहती चहती बहन के। तो गाइस ये बहुत बुरा और डेंजर एक्सीडेंट था भाई। कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई हाथ में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन भाई हड्डी फ्रैक्चर आई है। गाड़ी गाड़ी टकराई है किसी से या गाड़ी खुद ही गिरी है? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल एमके लाइफ व्लॉग। तो कैसे आप सब? उनसे बढ़िया होगा, सो गाइस बढ़िया ही होनी चाहिए। तो गाइस मैं तो अभी ऐसा ही हूँ, आपके सामने जैसा बैठा हूँ। दूसरी पट्टी हो गई है तो छठा दिन है। वैसे यार काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये सीन कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो भाई ये जब ये ईद से अगले दिन का सीन है, तो गाइस मैं और हमारे अब्बा बाबा, गाइस हम जा रहे थे भाई रिश्तेदारी में घूमने के लिए। करीबन टाइम हो रहा था 11:30, तो भाई तैयार थे हम एकदम रेडी। तो गाइस बाइक चलाने वाले हैं अब्बा, बड़े मियाँ बाइक चलाने वाले हैं, देख सकते हो। तो चलो आओ बैठो, बैठ के देखो। तो गाइस देखो अब्बा बैठ रहे, आओ आओ। तो फाइनली गाइस अब्बा चलाएंगे बाइक, ये देख सकते हो भाई जाएगा मेरी बहू। तो फाइनली गाइस अब्बा बैठ चुके हैं, देख सकते हो। कैसा लग रहा है? मतलब हीरो वाली फीलिंग आ रही? नहीं सीधी करो ना, गिरेगी ना, सीधी करो, ये वाला पैर नीचे करो, खड़ी करो उसको, डरो मत, और सीधी खड़ी करो, बस। देखो तुम इसको स्टार्ट भी कर सकते हो, अभी चाबी ऑन हो गई, अभी ये गियर में नहीं पड़ी। तुम वहाँ को मत, उसको छोड़ दो, कुछ मत दबाना, खाली स्टार्ट भी हो जाती है। भगेगी नहीं अभी, अभी नहीं भगेगी। तो फाइनली गाइस देख सकते हो अब्बा ने गाड़ी भी स्टार्ट कर दी, उससे हाँ उसी से बंद हो गई भाई, बंद भी कर दी, मतलब देख रहे हो। चलो तुम चलाने सीख लो आज, देख रहे हो गाड़ी बैठने के बाद अलग ही मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे। हैं क्या वो? हाँ वो है क्लच, ये रेस है, ये अगला ब्रिक है, और ये ब्रिक है पैर के नीचे, यही ये ब्रिक है, और ये अगला ब्रिक है। अगर तुम्हारी गाड़ी भाग रही है ना, ये दबा दो तो इंजन रुक जाएगा, मतलब हाँ छोड़ दोगे तो चलेगी। अब्बा वैसे डर रहा है। तो दादा पोते जा रहे हैं घूमने, चलो। तो वैसे अभी चलाने नहीं आते, लेकिन चलाने सीख लेंगे धीरे धीरे। तो वैसे हम जा रहे हैं भाई, हम जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं भाई अपनी फूफी के, अब्बा की प्यारी मोबोली, मोबोली नहीं सगी, ज़्यादा चहती चहती बहन के, वहाँ जा रहे और गाड़ी चला के जाएगी। तो बाइक चलाने वाला हूँ मैं, क्योंकि अब्बा को बाइक नहीं आती चलानी। तो चलो फिर चल रहे, वहीं की दावत खाएगा आज दोपहर में। तो भाई उसी टाइम पे दोस्त का फ़ोन आया, अब्बा थोड़े घर पे चले गए काम से किसी, तो भाई दोस्तों का फ़ोन आया कि भाई आ जाओ घूमने चल रहे। तो भाई मैं उनके साथ जाने लगा, चल दिया। तो आगे चल के ये सीन हो गया जो आपने देखा होगा। तो वैस एक्सीडेंट के बाद गया मैं हॉस्पिटल, लेकिन वैसे हॉस्पिटल वालों ने एक इंजेक्शन लगाया और हड्डी वड्डे चेक करे, तो भाई वो कहने लगे भाई हड्डी वड्डे में कोई चोट नहीं है, सब ठीक है, आप घर चले जाओ। तो मतलब उन्होंने भाई ये बोल के मुझे घर भेज दिया। तो गाइस मैं घर आ गया, लेकिन घर पे आके भाई मैंने, उन्होंने एक टोप दिया था, ये टोप लगवाया, और घर पे आके मैंने भाई मालिश भी कराई। लेकिन गाइस मालिश भी हो रही थी, लेकिन भाई शाम तक ना भाई मेरा हाथ एकदम जाम ही होता जा रहा था, देख सकते हो भाई। तो मैंने बतरी मालिश करी हाथ की, लेकिन भाई फिर भी सुकून नहीं मिला, मतलब रिलैक्स मिला नहीं, क्योंकि यार हड्डी टूटी हुई थी। सो गाइस शाम तक ना भाई फिर काफ़ी लोग भाई अड़ोस पड़ोस के फिर लोग बोलने लगे कि भाई हड्डी वड्डी, वो भी मतलब वो भी यही बोलने लगे कि हड्डी वड्डी सब ठीक है, हल्का फुल्का हाथ चल रहा था जैसे स्टार्टिंग में। तो भाई मुझे फिर भी चैन नहीं पड़ा, लेकिन मैंने सोचा भाई एक बार मैं एक्सरे कराता हूँ, कराऊँगा जाके। सो गाइस
ये चीज़ें शाम तक ऐसे ही होता रहा, लेकिन सुकून नहीं मिला। कभी मैं हल्दी का दूध पी रहा हूँ, कभी कुछ। तब ये देखो मैंने हल्दी का दूध भी पिया, लेकिन फिर भी नहीं सुकून मिला। तो चोट देखो भाई, कितनी ज़्यादा चोट लगी। ये बाहर की चोट है गाइस, मतलब ये बहुत बुरा, बहुत डेंजर एक्सीडेंट था यार, बहुत डेंजर। चोट लगी तो कैसा फील हुआ इस टाइम पे? क्या फील हुआ इस टाइम पर? गाड़ी गिरी थी, 5 मिनट के लिए तो मैं बेहोश पड़ा था, फिर एकदम से होश आया। ये वाला गाड़ी टकराई है किसी से या गाड़ी खुद ही गिरी है तुम्हारी? यह बात है बताऊंगा। तो वैसे मैं बाहर से मुस्कुरा रहा हूं, लेकिन अंदर से भाई काफ़ी दर्द हो रहा है, क्योंकि इन सबको नहीं पता कि हड्डी टूटी है। सो गाइस यही बस, इन सबको लग रहा था कि ऐसे ही ऊपर वाली चोट है, अब बस ठीक हो जाएगा। सो गाइस अभी आए थे हम हॉस्पिटल भाई एक्सरे कराने के लिए। एक्सरे तो हो चुका, फिर रिपोर्ट आ रही है भाई, देखते रिपोर्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। लेकिन भाई बहुत बुरी हालत हो रही थी, हाथ काम ही नहीं कर रहा भाई, हाथ चल ही नहीं रहा यार, देख सकते भाई। बहुत मुश्किल से ना भाई मैं टी-शर्ट पहन पाया भाई, हॉस्पिटल में देखते क्या सीन है। वैसे ये चेक करो भाई, साफ साफ कितना क्लियर दिख रहा है कि हड्डी एकदम अलग हो रखी है। और भाई दो हड्डी में, एक हड्डी तो एक अलग ही हो गई और दूसरी हड्डी में बाल आ रखा है। देखो ये चेक करो भाई, क्लियर दिख रहा है, दिख रहा है। अब यार हॉस्पिटल वालों को ये नहीं पता कि यार हड्डी टूटी या नहीं टूटी, ऐसे ही मतलब ऐसे भगा दिया भाई। कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई हाथ में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन भाई हड्डी फ्रैक्चर आई है बहुत ज़्यादा। अभी एक्सरे कराया तो रिपोर्ट में पता चला है ये सब, तो जिसका कुछ हो रहा है, जो भी हो रहा है। तो भाई ये चेक करो, अभी 3-3 लोगों ने मुझे पकड़ा हुआ, क्योंकि अभी ये मेरी हड्डी बिठा रहे, क्योंकि 2 हड्डी फ्रैक्चर हुई है। तो गाइस यहाँ पे अभी मेरी हड्डी बैठ चुकी है, बस भाई दोनों ने मुझे पकड़ रखा है, ये जो हाथ पकड़ रखा है भाई, ये इसलिए पकड़ रखा ताकि हड्डी फिर से हट ना जाए, इसलिए उसको एक जगह रखा हुआ है। तो गाइस अभी प्लास्टर होएगा, पट्टी वगैरह जो भी होगी। तो बस यहाँ पे भाई कैमरा ना ऑफ करा दिया था, इसके बाद अभी ये मतलब थोड़ी देर में भाई कैमरा ऑफ हो जाएगा, क्योंकि भाई पट्टी चल रही है, कैमरा बंद करा दिया मेरा। कोई बात नहीं गाइस, तो ये आ चुका मैं घर पे, देख सकते हो भाई। मतलब घर पे आने के बाद भाई मुझे नींद आ गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई मैं थक गया था, काफ़ी दूर गया था भाई हॉस्पिटल। मैं जो हड्डी वाला हॉस्पिटल था भाई काफ़ी दूर था।